जिहोवा अधिकारियों की अनदेखी के कारण सुपरमार्केट के दुकानदार कीचड़ भरे माहौल में जीने को हैं मजबूर। मार्केट की सड़क टूटी होने के कारण उसमें जमा कीचड़ की वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। मार्केट में ज्यादातर बच्चों के कोचिंग सेंटर हैं, जिसमें बच्चों को आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कीचड़ की वजह से फिसलकर बच्चों को चोट लगने का भी खतरा बना रहता है। मार्केट के एक तरफ अनाज मंडी, दूसरी तरफ बस स्टैंड और इस मार्केट के बीच में ही सहकारी बीजों की दुकान होने की वजह से इसे सुपरमार्केट का नाम मिला। जब सुपरमार्केट की ये हालत है तो बाकी शहर की क्या हालत होगी। वहीं कुछ दिन पहले राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह ने शहर में जगह जगह गंदगी होने के कारण नगर पालिका सचिव को सस्पेंड भी किया था, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं बारिश के बाद टूटी सड़कों पर जमा मिट्टी अब कीचड़ बन गई है और बारिश के समय सड़कों पर बने गड्ढों में जमा पानी के कारण उनमें बने गाद और कीचड़ की वजह से दुकानदारों व कोचिंग लेने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। कीचड़ की वजह से परेशान इस मार्केट में स्थित दुकानदारों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को इस बाबत शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना परेशान कर रखा है कि यहाँ पर बरसात होती है तो वहाँ पे एक एक फुट तक पानी खड़ा हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है हमारी। यहाँ पर कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर होने की वजह से जितने बच्चे यहाँ से निकलते हैं जैसे कीचड़ है तो वो सब गिर जाते हैं, गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके ऊपर। इस कारण से हमें परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितनी बार लेटर्स लिख चुके हैं उनको, डिपार्टमेंट भी दे चुके हैं, पर कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो आप किस तरह की मांग करते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी सफाई करवाई जाए और ये जो गंदगी जो बीमारी का रूप लेगा। अनिल भी इससे हमारी यही के ढेर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम तो यहाँ से जितने बीमार होने इस गंदगी के कारण हो रहे हैं और बहुत कई बार शिकायतें दे चुके हैं हम तो, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है इस मार्केट प्रशासन ने। हम बहुत ही ज़्यादा तंग है प्रशासन से, जितने भी लोग आके कहते हैं हमारे को बहुत ही ताने सुनने पड़ते हैं। ये हमारा मेन अनाज मंडी के साथ ही है, सबसे अच्छी मार्केट थी हमारी सुपर मार्केट, सबसे अच्छी मार्केट गिनी गई है, बस स्टैंड के नज़दीक है, अनाज मंडी के नज़दीक है। ना यहाँ कोई भी बाथरूम है, ना यहाँ कोई लैट्रिन का कोई, बहुत परेशानी है। इतने सेंटर हैं यहाँ, पहले ठेका है, बहुत मुश्किल से ठेका उठवाया और उसके बाद उन्होंने ठेका तो उठा लिया, उसके बाद गोदाम बना दिया उसका। गोदाम का भी चलो हमने कहा उनको, अब पुलिस में जावें वो हमारे से ही लिख के ले लेते हैं, भई आप लिख के दे दो। अब तो हमने कार्रवाई कर दी, अब चार दिन दुकानें बंद करके तो माने तो पता नहीं उसने कार्रवाई क्या करी, फिर भी हमने वहाँ जा उनके डर से ला ले चाहे कुछ भी है, हम लिख के दे देते हैं। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ मार्केट का अलमारे देख लो भाई, बीमारी जितनी भी हमने बीमारी है सिर्फ इसके कारण हम बीमार हो रहे हैं इस मार्केट के कारण। सारे कोई भी दुकानदार, एक भी दुकानदार यहाँ नहीं, ना यहाँ काम है हमारे पास ना कुछ, हम तो सिर्फ सवेरे आके बैठ जाते हैं। गंदगी के कारण हमारा काम सारा चौपट ठप हो गया।